Hey guys, welcome back to the new video. तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले टीम रॉकेट के बारे में। तुम लोग को रॉकेट शिपिंग के बारे में तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता डोंट वरी, मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट जैसा कि तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही, जेसी और जेम्स की लिटरली मैरिज हो चुकी है एंड उनका शायद से एक चाइल्ड भी है। अगर तुम्हें नहीं पता, दैट्स वाई तो ये वीडियो मैं तुम्हें बना रहा हूँ। एंड यार, ये वीडियो रियली वर्थ इट। अगर तुम इसको अपना टाइम देते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें काफ़ी मजा आने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ, ये वीडियो कुछ हद तक थ्योरी है एंड कुछ कन्फर्मेशन वाली बातें भी हैं इसमें, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो में मज़ा आता है ना, देन तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है। मैं बार बार तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें लाइक करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम्हें नहीं पता ये कितना ज़्यादा हेल्प करता है, बट सही में यार ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बेल आइकन दबा दिया करो, क्योंकि दैट्स हाउ यूट्यूब वर्क्स। अगर नहीं करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। नो, लेट्स टॉक अबाउट जेसी और जेम्स के कुछ रिलेशन के बारे में, ठीक है। हम लोगों पोकेमोन कंपनी ने ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स दिखाए हैं। अब मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे सरीना और एश को एमर शिपिंग कहते हैं, ठीक है, उनकी जोड़ी को, वैसे ही जेसी और जेम्स की जोड़ी को रॉकेट शिपिंग कहते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तुम अगर बल्बापीडिया या फिर क्रोम पे जाके सर्च भी करोगे रॉकेट शिपिंग, तो तुम्हें इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। बट पोकेमोन के अंदर हम लोग को ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स देखने मिले हैं, लाइक ट्रेनिंग डेज इवेंट्स। आई मीन, जब ये एपिसोड चल रहा था ट्रेनिंग डेज वाला, तब उस पर जेम्स एक बार जेसी को बचा लेता है और समय जेसी ब्लश करती है। इवन जेम्स के मैरिज के वक्त तुम लोग देखे होंगे, एक एपिसोड था जेम्स के मैरिज के ऊपर, उस एपिसोड के अंदर जेसी काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि उसको पता चला था कि जेम्स की शादी किसी और से होने वाली है। इवन इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू, जो कि पोकेमोन की मांगा है, ऑफिशियल मांगा है, ठीक है, इसके अंदर लिटरली एक बार जेम्स ने जेसी को प्रपोज भी किया है। एंड इसके बारे में मैं तुम्हें आगे इस वीडियो में और भी बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। बट यार, ये अभी भी कुछ नहीं है, अभी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं तुम लोग को बताऊंगा, जो पोकेमोन वालों ने ऐसे काफ़ी सारे हिंट्स दिए, ठीक है। तो एक हिंट तुम लोग ये ले सकते हो, जैसे कि जो जेसी के जैसे दो करेक्टर और हैं, जिसके साथ जेम्स की पहले शादी होने वाली थी, और जेम्स की मॉम, ठीक है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जेसी से सिमिलैरिटी रखती हैं। लाइक तुम लोग देख ही सकते हो यार तुम्हारे सामने। इट मीन्स पोकेमोन कंपनी ये तो साबित करना चाहती है कि ऐसे अपीयरेंस से जेम्स का कुछ ना कुछ लेना देना तो है। तभी उसकी मॉम उसके जेसी जैसी दिखती है एंड उसकी एक्स वाइफ भी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जेसी बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड पोकेमोन वालों ने जेसी को इसी के लिए बनाया है ताकि वो जेम्स के साथ मैरिज करे। तो सही माने पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं आगे कुछ बात अपने आगे रखूँगा, ठीक है। तुम लोग को बताऊँगा कि जेसी जेम्स के माता पिता जो थे, वो एक अमीर लड़की चाहते थे शादी के लिए। एंड इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू के अंदर, जैसे कि मैंने तुम्हें जो इवेंट बताया, उनके प्रपोज जो किया था जेम्स जेसी को, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वो ट्रेनिंग डेज के इवेंट्स के बारे में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एक एपिसोड में जेम्स लिटरली जेसी के ऊपर गिर गया था और जेसी ब्लश भी की थी, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स के ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं, तो ये अपना इंटरेस्ट बनाए रखो, क्योंकि डेफिनेटली वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। एंड स्पेशली जेम्स के मैरिज को जरूर काउंट करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ जो है ना, जेम्स मैरिज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिल्कुल सही। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन टू थ्योरी, कि थ्योरी क्या हो सकती है। जैसे कि तुम लोग को मैंने बताया कि जेसी और जेम्स के जो माता जेसी और जेम्स के नहीं सिर्फ जेम्स के जो माता पिता थे, ठीक है, वो चाहते थे कि जेम्स की शादी एक अमीर लड़की से हो। तुम लोगों ने पोकेमोन एपिसोड तो देखा ही है, तुम्हें पता ही होगा ये चीज़। बट जेम्स नहीं चाहता था कि उसकी शादी उस लड़की के साथ हो, जैसा बेला शायद से उसका नाम था, तुम लोगों को पता ही होगा वो एपिसोड के अंदर क्या क्या हादसा हुआ था। जिस एपिसोड में जेम्स का ग्राउलेट भी आया था, अब तुम लोग को याद आना चाहिए, अगर तब भी नहीं आ रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, और जेसी के बारे में भी तुम लोग जानते होंगे कि जेसी भी अपने घर छोड़ के भाग गई थी, क्योंकि जेसी एक कॉमनर थी, उतने ज़्यादा रॉयल फैमिली नहीं थी इसकी, ठीक है। और इसने मतलब काम भी किया था नर्स बनने का, बट ऑफकोर्स उसने नर्स वाला जॉब भी छोड़ दिया था। अब क्या हुआ ना कि जेम्स जो है ना, वो वहाँ से भाग के ये वाले जगह पे आया था, जो कि शायद से साइकिल गैंग कहलाती थी, एंड सेम जेसी भी यहीं पे है। दोनों की यहाँ से फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, तुम लोगों को पता ही होगा, और दोनों काफ़ी तगड़ी जोड़ी बन चुके थे। अगर तुम लोगों ने साइकिल गैंग वाला एपिसोड देखा होगा तब तुम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और टीम रॉकेट का बॉस जो जियोवानी है ना, वो ऐसे ही कुछ लुटेरों को अपनी टीम के अंदर लेना चाहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करे, ठीक है। तो उस वक्त जेसी और जेम्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन्स थे, या तुम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा ही था पोकेमोन के, कि जेसी और जेम्स को कितना ओवररेटेड बताया गया था, ठीक है।
तो उस समय जेसे और जेम्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और दैट्स वाई उनकी टीम रॉकेट ने टीम बना दी थी जेसे जेम्स और उसका पसंदीदा प्यारा पोकेमॉन म्याउथ, और ये आगे चल के अपनी फेमस वन एंड ओनली टीम रॉकेट बने जो कि हमेशा ब्लास्ट ऑफ होती रहती है जैसे कि तुम्हें पता ही है, और यही थी इसके पीछे की स्टोरी। बट ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होती यार, अभी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो अभी आधी थ्योरी थी जो कि हम लोग को एनिमे के अंदर बताई गई है, बट अगर हम लोग बात करें मांगा की, तुम लोग को पता होगा मांगा क्या होता है, जैसे कि एनिमे पिक्चर्स होते हैं, मांगा बेसिकली ड्राइंग्स होती हैं, कॉमिक बुक के थ्रू समझ सकते हो, जैसे नोबिता जो पढ़ता है, हाँ इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो उस मांगा के अंदर इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू में जेम्स ने जेसी को प्रपोज भी किया था एंड एक्चुअली जेम्स की जेसी के साथ शादी भी हो चुकी है। तुम लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू जो मांगा थी ना, वो पोकेमॉन की फर्स्ट मांगा थी जो कि इंग्लिश डब हुई थी, एंड लेट मी टेल यू पोकेमॉन फेमस जो हुआ है ना वो इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू के कारण हुआ है। दैट्स वाई अगर तुम में से जिन लोग को लग रहा है कि इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू कोई फेक मांगा है, बिल्कुल नहीं, तुम लोग ट्रस्ट कर सकते हो। इवन यार तुम्हारे पास भी गूगल है, तुम जाके सर्च कर सकते हो। इसके अंदर लिटरली जेम्स की और जेसी की शादी हो चुकी है, इवन जब ये मांगा ख़त्म हुई थी तब उस वक्त जेसी प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और शायद से बच्चे तो हो ही गए होंगे, तो प्रेग्नेंट थी तो हाँ वो सब छोड़ दें, ठीक है, वो सब साइड में रखो। तो बेसिकली एनिमे के अंदर भी एक चीज़ कन्फर्म हो गई है कि जेसी जेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इवन मांगा के अंदर तो ऑलरेडी जेसी और जेम्स की शादी हो चुकी है एंड जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट भी है, ठीक है। तो इट मीन्स पोकेमॉन वालों ने, ये तो देखो कंक्लूजन हो गया कि पोकेमॉन वाले जो हैं ये जेसी और जेम्स की टीम काफ़ी अच्छी बनाना चाहते हैं। इवन इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू में इन लोगों ने ये चीज़ प्रूव भी कर दी है कि या दे आर मेड फॉर ईच अदर। एंड मैं पर्सनली चाहता हूँ ना कि जेम्स के माता पिता जो है ना वो अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो एक्चुअली देखो यार ऐश से कुछ एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, वो सरीना को भी छोड़ दिया, मिस्टी को भी छोड़ दिया, डॉन को भी छोड़ दिया, इसलिए ऐश से तो कुछ है नहीं, तो टीम रॉकेट से कुछ एक्सपेक्टेशंस है। एंड शायद से पोकेमॉन वाले कभी पोकेमॉन को थोड़ा मैच्योर बनाना चाहे तो वो जेसी और जेम्स का दिखा सकते हैं रिलेशनशिप। एंड तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड यार मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा तुम प्लीज़ इलेक्ट्रिक टेल ऑफ पिकाचू मांगा पढ़ो, काफ़ी अच्छी मांगा है पोकेमॉन की। एंड ऑफ कोर्स यार हमारा फेवरेट एनिमे या पोकेमॉन एनिमे इस मांगा के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, तो तुम्हें पढ़ना भी चाहिए, तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है जेसी और जेम्स के बारे में मुझे आज की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना, मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानने में काफ़ी मज़ा आता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एंड इस चैनल पर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है पोकेमॉन फैंस के, तो जाओ वो सब वीडियो को चेकआउट करो, तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जैसे कि मैं हमेशा मिलता हूँ, तब तक के लिए पीस आउट।